फंगामा बिहार। मुमरा में पहली बार मॉल जैसा किड्स प्ले गेम जोन, जहां कार, बाइक, बास्केटबॉल, शूटिंग जैसे सभी गेम्स मिलेंगे। साथ ही साथ PS4 और VR जैसे बड़े गेम्स भी मिलेंगे। अपने बच्चों के साथ जरूर आए मॉल जैसा मजा लेने। ग्रे स्क्वायर, शॉप नंबर 73, MM वैली, कौसा। खत्म हुई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की टास्क फोर्स के साथ बैठक, कल एक और होगी बैठक, 14 अप्रैल तक किया जाएगा लॉकडाउन का फैसला। परफेक्ट कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अन्य विभागों के मंत्री, वरिष्ठ IAS अधिकारी और तमाम विपक्षी नेताओं के साथ एक बैठक हुई। उसके बाद अब 11 अप्रैल को फिर एक बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। अब सोमवार 12 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री और अर्थ मंत्री अजीत दादा पवार के साथ उनकी बैठक होगी। इसके अलावा कई व्यापारी संगठनों से उनकी बैठक होगी। किस तरह से लॉकडाउन लगाया जाए, इस पर 11 अप्रैल की 2 घंटे लगभग जो बैठक चली थी उसमें चर्चा की गई। सर्व समावेशक कार्य पद्धति यानी कि जो SOP जारी की जाएगी लॉकडाउन के दरमियान, वो कैसी होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई। गरीब जो है, जो हाथ पर जीने वाले लोग हैं, उन्हें क्या राहत दी जा सकती है, उन्हें क्या लॉकडाउन में जो है मदद की जा सकती है, इस पर भी चर्चा की गई। बहरहाल ये बैठक जो हुई उसमें कोई फैसला नहीं हुआ है लॉकडाउन का अभी। इसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सरकार के तमाम सूत्रों का कहना है कि 14 अप्रैल तक अभी फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। जो भी होगा, 12 अप्रैल की उप मुख्यमंत्री और अर्थ मंत्री अजीत पवार के साथ की बैठक, व्यापारियों के संगठनों के साथ की बैठक, अन्य अधिकारियों के साथ की जाने वाली बैठकें, और 14 अप्रैल को राज्य के कैबिनेट की एक बैठक होगी, यानी कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक होकर के उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगाना है तो वो किस तरह से लगाना है। मगर एक बात निश्चित तौर पर है कि ये लॉकडाउन जो है वो कम से कम 2 सप्ताह का रहेगा, 2 सप्ताह से कम का लॉकडाउन नहीं रहेगा। तो प्रतीक्षा कीजिए 14 अप्रैल के महाराष्ट्र राज्य सरकार की अहम बैठक का, जिसमें लॉकडाउन का फैसला होने वाला है और आवाम की थाली में लॉकडाउन के नाम पर क्या परोसा जाने वाला है, वो 14 अप्रैल को उसका खुलासा। We'll be right back.